Hi friends welcome to English Study Point friends today in this lecture i am going to discuss with you about thomas melory so friends before beginning this lecture I want to let you know that I have bifurcated this video lecture and I will be making another video lecture of this particular series but in this lecture I am going to discuss with you about Thomas Mallory as well as his important work and few points related to his important work so here in this lecture I am talking about this but I will be making separate video lecture in which I will be discussing about Thomas Mallory's famous work in a very detailed manner so friends please stay tuned to this notice of mine now friends. आज जो है मैं इस लेक्चर की शुरुआत करती हूं फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं कि थॉमस मेलोरी का जो फेमस वर्क था उसका नाम है दे अर्थर प्लीज रिमेंबर दिस एंड इसे जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो इस वर्क का नाम है डेथ ऑफ अर्थर यानी मोर्ते दे अर्थर का मतलब है डेथ ऑफ अर्थर सो फ्रेंड्स थॉमस मेलोरी जो थे वो एक तरीके के लेमन राइटर थे कहने का मतलब है कि इन्हें जो है राइटिंग स्किल्स और टेक्निक्स के बारे में किसी भी तरीके की प्रोफेशनल नॉलेज नहीं थी सो so आप कह सकते हो कि ये इम राइटर थे यानी लिखना जो है इनका शौक़ था सो ही वॉज अ लेम एन राइटर ही इज़ अ पर्सन हु इज़ नॉट हैविंग प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ राइटिंग स्किल्स और टेक्नीस दैन जो है ही डज नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट हाउ टू कम्पोज अ पीस ऑफ लिटरेचर कि कहने का मतलब है कि इन्हें जो है किसी भी राइटिंग स्टाइल को किस तरीके से जो है लिखा जाए उसकी स्ट्रक्चर की ही नॉलेज नहीं थी बट जो है ये लिखने के लिए लिखा करते थे यानी लिखना इनका शौक था देन he was given title of knighthood. Please remember this कि इन्हें जो है 1441 के अराउंड यानी 1441 के अराउंड जो है इन्हें knighthood का title दिया गया and उसके बाद जो है sir जो है इनके नाम के आगे add हुआ sir name was sir was added before his name. So इनका नाम पड़ गया sir Thomas Mallory. Then ही सर्वड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट प्लीज प्लीज रिमेंबर दिस की इन्होंने जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है सर्व किया था एंड कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ये जो है क्राइम्स करने कमिट कर दिए थे इन्होंने जैसे कि आम असल्ट देन चोरी करना सीख लिया था एंड साथ ही साथ रेप जैसे क्राइम्स को जो है ये कमिट करने लगे थे यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में सर्व कर करते करते जो है इनका माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था एंड जो है ये कमिट क्राइम्स को जो है कमिट करने लग गए थे जैसे कि आम असल्ट थेफ्ट एंड साथ ही साथ रेप एंड बताया जाता है ही ड्यूरिंग रेन ऑफ हैंनरी द एथ यानी हैंनरी द एथ के रेन में मेलोरी वॉज गिवेन आ रॉयल पार्डन की इन्हें जो है इतने क्राइम्स करने के बावजूद भी जो है इन्हें रॉयल पार्डन यानि इन्हें जो है पार्डन कर दिया गया इन क्राइम से एंड वो भी इसलिए क्योंकि इनके इनके जो है किंग से बहुत अच्छे कनेक्शंस थे सो ही ड्यूरिंग रेन ऑफ हेनरी द एथ मेलोरी वॉज गिवन अ रॉयल पार्डन फॉर हिज क्राइम बिकॉज ही वॉज़ इन अ क्लोज सर्कल ऑफ किंग्स यानी इनका जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन था किंग से इसी इसीलिए जो है इन्हें जो है रॉयल पार्डन दिया गया इतने सारे कमि क्राइम्स को कमिट करने के बावजूद भी देन ही वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रॉयल पार्डन कि कहा जाता है कि पहले तो जो है इन्हें रॉयल पार्डन दिया गया बट इस रॉयल पार्डन से जो है बाद में जाकर इन्हें एक्सक्लूड भी कर दिया गया एंड इन्हें जो है कुछ सालों के लिए इम्प्रिजन रखा गया ड्यूरिंग एम्प्रजनमेंट ही रोट नॉवल कि एम्प्रजनमेंट के टाइम पर जो है इन्होंने नावल को लिखा उस नावल का नाम था लम्ते दे अर्थर प्लीज़ रिमेम्बर दिस एंड इस वर्क में जो है इन्होंने किस चीज़ के बारे में बात की है वो है शिवॉलिक वैल्यू कि एक जो है नाइट के पास शिवॉलिक वैल्यू होना क्या होता है सो so फ्रेंड्स मैं जो है इस पर सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाऊंगी एंड प्लीज स्टे ट्यून टू दिस नाइट हैज़ शिवॉलरी कि कहा जाता है कि ये जो शिवॉल्री है शिवॉलिक वैल्यू जो है ये किसको मिलती है एक नाइट को एंड ये बहुत ज़्यादा जो है इनमें स्ट्रेंथ होती है एक नाइट में जो है स्ट्रेंथ होती है पावर होती है एंड वो जो है जस्ट होता है और साथ ही साथ ऑनेस्ट होता है ही इंडल्स इन वॉयेंट क्राइम्स की कहा जाता है कि थॉमस मेलोरी जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को सर्व करते करते जो है उनका माइंड हो गया डिस्ट्रैक्ट एंड फिर वो जो है वायलेंट क्राइम्स कमिट करने लगे ही इज़ डिफरेंट फ्राम वॉट ही पोर्ट्रेड इन हिस वर्क कि थॉमस मेलोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एंड जिस तरीके से उन्होंने जो है अपने वर्क में बताया है उस वर्क अपने व्यू पॉइंट्स अपने फीलिंग्स को बताया है उस वर्क को लिखते समय बट थॉमस मेल, मेलोरी जो है अपनी बातों से अपने व्यू पॉइंट से जो है काफ़ी ज़्यादा अलग है इस चीज़ में आयरनी है कि जो वो बताते हैं अपने वर्क के थ्रू बट वो जो है उनका करेक्टर जो है उस वर्क के अपोजिट है दैन ही वॉज नॉट फॉलोइंग शिवॉल्ड्रिक वैल्यू ये कहा जाता है कि इन्होंने जो है ख़ुद इस वैल्यू को फॉलो ही नहीं किया था शिवॉलिक वैल्यू को बट राइटिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ शिवॉल्रिक वैल्यू बट इन ये जो है इस वैल्यू को प्रोजेस भी नहीं करते क्योंकि इन्होंने जो है इतने सारे वॉयेंट क्राइम्स को कमिट किया है बट ये फिर भी जो है शिवॉल्रिक वैल्यू को इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं इस चीज़ में जो है आयरन ही है देन अब बात करते हैं लव मोरते दे अर्थर फ्रेंड्स मैं जो है इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इस वर्क से रिलेटेड जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी एंड जो है मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर बता बनाऊँगी जिसमें जो है मैं इस वर्क को डिटेल में डिस्कस करूँगी दिस वॉज़ अ वेरी फेमस पीस ऑफ राइटिंग इन अर्थरियन लिटरेचर प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है अर्थरियन लिटरेचर का एंड इसे जो है रिवाइज किया गया प्रिंट किया गया विलियम कैक्सटन द्वारा 1485 में देन इस वर्क का एक्चुअल टाइटल है प्रिंस प्लीज रिमेंबर दिस क्योंकि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है सो so, इस वर्क का जो एक्चुअल टाइटल है वो क्या है द होल बुक ऑफ किंग अर्थर एंड हिज नोबल नाइट इन द ऑफ राउंड टेबल प्लीज रिमेंबर दिस द होल बुक ऑफ किंग अर्थर एंड हिज नोबल नाइट ऑफ राउंड टेबल इट इज़ द फर्स्ट प्रोज अकाउंट ऑफ़ द राइज एंड फॉल ऑफ किंग अर्थर प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये पहला प्रोज अकाउंट था जिसमें बताया गया है किंग अर्थर के राइज और फॉल के बारे में एंड द ब्रदरहुड ऑफ द नाइट ऑफ राउंड टेबल एंड साथ ही साथ ब्रदरहुड के बारे में बताया गया है यानी राउंड टेबल के नाइट के बारे में दिस वर्क डिस्कसेज द रिलीजियस आइडियाज़ इस वर्क में जो है रिलीजियस आइडियाज़ को डिस्कस किया गया है एंड इम्पॉर्टेंस बताई गई है शिवॉल्री की यानी अर्थरियन टाइम्स के टाइम पर जो है शिवॉल्री को जो है क्यों इम्पॉर्टेंस दी जाती थी इट डज़ नॉट फोकस ऑन द लव अफ़ेयर बिटवीन लानसलॉट एंड गुनेवरे प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इस वर्क में जो है लव अफ़ेयर पर जो है इतनी ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है लांसलॉट और गुनेवरे के लव अफेयर के बारे में जो है इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है एंड साथ ही साथ जो है ये बताया गया है कि किस तरीके से जो है इन दोनों के लव अफेयर ने जो है किंग अर्थर के कोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था लानस लॉट वॉज अ नाइट इन द राउंड टेबल प्लीज रिमेंबर दिस कि लांस कौन थे वो राउंड टेबल के यानी किंग अर्थर की जो राउंड टेबल थी उसके नाइट हुआ करते थे एंड गुनेवरे कौन थी किंग अर्थर की वाइफ थी देन दिस मेजर वर्क ऑफ दिस द मेजर वर्क ऑफ दिस बुक इंक्लूड द फ्रेंच प्रोज रोमांस प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इस वर्क का मेजर सोर्स यानि इस वर्क को कम्पोज करते वक्त जो है किस सोर्स टेक्स को जो है ध्यान में रखते हुए जो है इस वर्क को कम्पोज़ किया गया है सो so वो वर्क है फ्रेंच प्रोज रोमांस जिसका नाम है हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया एंड इसे जो है हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया को जो है लिखा गया था जॉफ्रे ऑफ मेन माउथ द्वारा दिस वर्क इज़ इंटेंटेड एज अ पॉलिटिकल कमेंट्री बाय मेलोरी कि ये वर्क जो है एक तरीके की पॉलिटिकल कमेंट्री है जो कि मेलोरी द्वारा इस वर्क के थ्रू दी गई है बिकॉज ही पोट्रीज किंग अर्थर वॉज हैविंग अ परफेक्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर क्योंकि इसमें मैलोरी ने इस चीज़ को बताने की कोशिश की है किंग अर्थर का जो कोट था उसमें जो है चीज़ें जो है बिल्कुल स्ट्रक्चर के साथ चला करती थी दिस पीस वॉज रिटन वेन वॉर ऑफ़ रोजेज टेकिंग प्लेस इन इंग्लैंड प्लीज़ रिमेंबर दिस की इस पीस को जो है किस टाइम पर लिखा गया था जब वॉर ऑफ रोजेज़ ये एक तरीके का बैटल था जो कि दो फैमिलीज के बीच में दो इंग्लैंड की दो रॉयल फैमिलीज के बीच में हो रहा था सोई उस टाइम पर यानी इस बैटल के टाइम पर जो है इस पीस ऑफ वॉक को लिखा गया By this work he is trying to tell the government of England. कि इस work के through जो है Thomas Melory, England की government को बताना चाहते हैं कि अगर जो है England की government जो है दोनों मिलकर जो है fight करेंगी एक दूसरे से तो यू विल सी द किंगडम ऑफ इंग्लैंड वॉज कोलेप्स कि आप ये देखोगे कि इंग्लैंड का किंगडम ही फिर कोलेप्स हो जाएगा यानी अगर दो रॉयल पार्टीज के बीच में अगर फाइट चलेगी तो क्या होगा इंग्लैंड का जो किंगडम है वो ही कोलेप्स हो जाएगा लाइक यूटोपियन किंगडम ऑफ किंग अर्थर एंड हिज नाइट्स कोलैप्स कि इसके थ्रू जो है थॉमस मेलोरी ये भी बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से किंग अर्थर और साथ ही साथ उनके नाइट्स का किंगडम कोलैप्स हुआ था ठीक उसी तरह अगर दो रॉयल इंग्लैंड की दो रॉयल फैमिलीज जो है आपस में मिलकर एक दूसरे से टसल में इंडल्ज हो जाएगी तो फिर क्या होगा फिर जो है इंग्लैंड का भी किंगडम जो है कोलैप्स हो जाएगा Then, इस बुक इस बुक यानी इस वर्क में जो है ट्वेंटी वन बुक्स है जिसमें एट रोमैंस और स्टोरीज को कवर किया गया है लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ऑल्सो रीटोल्ड द लेजेंड इन द पोट्री कॉल्ड आइड। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने जो है इस लेजेंड्री को जो है इस लेजेंड वर्क को जो है अपनी पोएट्री में बताया है जिस पोइट्री का नाम है आइडियल्स ऑफ द किंग एंड ये जो वर्क है लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन का ये इंस्पायर्ड है लमोटे दे अर्थर से एंड मार्क ट्वेन नावल एंकी इन किंग अर्थर्स कोर्ट सो ये जो वर्क है मार्क ट्रेन का इसमें जो है मिस्टीरियस ट्रेंजर के बारे में बात की गई है हु क्लेम्स टू बी अंकी जो अपने आप को जो है यंगकी बताता है एंड जिसे जो है अर्थरियन एरा में जो है वापस भेज दिया गया था देन टी एच वाइट वन एंड फ्यूचर किंग ये जो वर्क है इसमें जो है इन्फ्लुन्शल टेलिंग ऑफ थॉमस मेलोरी स्टोरी री टोल्ड इन अ फॉर्म ऑफ नॉवल कि ये जो है इस वर्क में यानी टी एच वाइट का ये वर्क फन एंड फ्यूचर किंग इसमें जो है बहुत थॉमस मेलोरी के स्टोरी के बारे में फिर से बताया गया है थॉमस मेलोरी की स्टोरी को दोहराया गया है और वो भी एक नावल की फॉर्म में जॉन स्टीन बैक यूटिलाइज थॉमस मेलोरी स्टोरी एज़ कि किस तरीके से जॉन स्टीन बैक ने थॉमस मेलोरी की स्टोरी को जो है यूटिलाइज़ किया है उन्होंने जो है एक वर्क क्रिएट किया है जिस वर्क का नाम है द एक्स ऑफ किंग अर्थर एंड हिज नोबल नाइट देन एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन जो है वो भी इंस्पायर्ड है थॉमस मेलोरी के वर्क से जिस वर्क का नाम है ल दे अर्थर देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है एंड फ्रेंड्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन योर यू जी सी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग